हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद एसटीएम। सो शुरू करते हैं एनालिसिस ऑन डेली चार्ट फ्रेम। ओके, सो आज जो ये कैंडल जो क्लोजिंग दिया है, अगर आप देखें ये रेड है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसका प्रीवियस कैंडल से ऊपर ही क्लोज आया है। ये कैंडल जो देख रहे हैं अभी, ये जो रेड है, ओके, एक तो रेड कैंडल है, थोड़ा सा अलर्ट है, दूसरा ये इसके ऊपर ही क्लोज आया है, ये देखिए इसके नीचे नहीं आया है, और एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। ओके, अब तो ये तो आ गया कैंडलस्टिक, अब थोड़ा इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि कहाँ पे इसका सिचुएशन बन रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है ये मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए, कल की वीडियो अगर आप क्लियरली देखे होंगे तो मैंने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ये जो सपोर्ट है अभी इसका रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये बैक टू बैक जो सपोर्ट था ये टूटने के बाद अभी ये जो पुल बैक, ये जो रिवर्सल हो रहा है, यही उसका सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहीं से ही डिक्लाइन हो गया। आपको जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो रेड कैंडल है ये इसी के वजह से रेड हुआ है, वो रेजिस्टेंस की वजह से, नहीं तो ओवरऑल कैंडलस्टिक भले छोटा हुआ होता लेकिन ग्रीन होता अगर ये रेजिस्टेंस जोन अगर नहीं हुआ होता। ओके, मैं वैसे ही बोला था कुछ स्पेस का, मतलब 60-70 पॉइंट का स्पेस है निफ्टी पे, लेकिन रेजिस्टेंस है। अगर आप वीडियो देखेंगे कल की तो आपको पता चल जाएगा। ओके, आप आते हैं RSI पे, RSI की यूज़ करते हैं ताकि और थोड़ा हमको डिटेली पता चले क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए, एग्जैक्ट वही सिचुएशन है जो मैंने कल ही कहा है। जब तक ये जो सिचुएशन है RSI 40 को जब तक एंटर नहीं करेगा, एक सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं एग्जैक्ट बताया था बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे भी। यहाँ पे देखिए ये डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है, एग्जैक्ट वही सिचुएशन ये कैंडलस्टिक भी किया, रेजिस्टेंस से डिक्लाइन हो रहा है। अब यहाँ पे और एक सिचुएशन है, रेजिस्टेंस बिना ब्रेकआउट के साथ ये कुछ भी मूवमेंट करने नहीं वाला, यहाँ से 40 पे डिक्लाइन हुआ ये पहला, यहाँ पे कैंडलस्टिक। अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे NRD कहा जाता है, आपको NRD बोल के तो पता होगा, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। यहाँ से 40 से नीचे आया, 40 के नियर गया और 40 से रिटर्न हो रहा है। अब ये जो रिटर्न होता है और एक शॉर्ट के लिए और पुट की साइड के लिए और एक जोन देखने को मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, RSI को और थोड़ा डिटेली देखेंगे, थोड़ा क्लोज करके यहाँ पे देखिए। ओके, ऑलमोस्ट ये 25 समथिंग आया था, अब ये 40 के नियर आ गया, अब यहाँ से रिजेक्टेबल हो रहा है और डिक्लाइन हो रहा है, इसको कहते हैं NRD, नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। अब वही चीज एग्जैक्ट आपका कैंडलस्टिक काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक ही सिचुएशन है, कल अगर मार्केट इससे नीचे खुला और इसके क्लोज आ रहा है ये जो प्रीवियस कैंडल है, ओके, देन हमको और एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, जो ये लो ये बनाया था। ओके, यहाँ से एक हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है अगर इसके नीचे ये क्लोज बनाया। ओके, क्योंकि मार्केट को गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मार्केट को अपना बॉटम बनाने के लिए टाइम लगता है। ओके, बॉटम इतना जल्दी नहीं बन जाएगा, एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर कल की डेट पे ये अगर रेजिस्टेंस को भले ब्रेक ना करे, लेकिन ये अगर नीचे ना खुला, मतलब डाउनसाइड मूवमेंट नहीं हुआ, तो एक अच्छी साइन होगा, क्योंकि RSI अभी तक भी कन्फर्म नहीं किया है, एक सिंगल कैंडल है, दूसरा कैंडल कल अगर कन्फर्म करेगा तब जाके और एक कन्फर्मेशन मिलेगा। ओके, सो वेट फॉर द टुमोरो, अगर एक और रेड कैंडल आ रहा है और इसके नीचे अगर बंद आता है, ओके, देन ये कंसर्न है, रिट्रेसमेंट आ सकता है, अगर नहीं तो ये एक रेंज पे चल, मतलब कंटिन्यू रहेगा, ये एक ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा और ब्रेकआउट हो सकता है। ओके,
सो टिल देन गुड लक। सो और एक चीज़ है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, मतलब ये सिचुएशन, ना आप कॉल की साइड के लिए आप तैयार रहें, ना ही पुट साइड, बिना कन्फर्मेशन के साथ। जैसे कि मैंने कहा, ब्रेकआउट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल और रेजिस्टेंस के ये नीचे एक रेड, ये जो मैं अभी एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हूँ, ये देखिए, ओके, इसको एक कन्फर्मेशन होने दीजिए, तो पुट साइड एक रिटेस्टमेंट और एक हो सकता है अगर ये ऐसा हुआ। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट फॉर मोर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू।